नमस्कार दोस्तों, और आज आपके सामने खड़ी है मारुति सुजुकी विटारा ब्रिजा। इसका आज हम फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। इसका मैं आपको चारों तरफ से एक लुक दिखा देता हूँ, जिससे आपको इसके डिज़ाइन का आइडिया लग जाएगा कैसा क्या इसका डिज़ाइन है। और इसके प्राइस के बारे में बात करें हम तो 8,44,918 रुपये इसका प्राइस है ऑन रोड। ये VDI मॉडल देख रहे हैं आप। और इसमें आपकी अगर कलर की बात करते हैं हम तो रेड, सिल्वर, ऑरेंज, येलो, ग्रे और वाइट कलर आप देख ही रहे हैं। इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें हम तो 198 mm का इसका आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। और 48 लीटर का इसमें आपको फिल टैंक देखने को मिलेगा और 328 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है और 16 इंची के इसमें आपको टायर देखने को मिलेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, साइड प्रोफाइल काफ़ी शानदार है और जो इसका फ्रंट लुक है वो भी काफ़ी मस्कुलर है। तो चलिए देख ले रहे हैं इसका फ्रंट लुक। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी मस्कुलर इसका जो है फ्रंट लुक दिया गया है और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे ग्रिल देख सकते हैं आप दिया गया है और बीच में सुजुकी का लोगो भी दिया गया है और काफ़ी अट्रैक्टिव ग्रिल दिया गया है देख सकते हैं आप यहाँ पे। और नीचे देख सकते हैं आप, लोअर ग्रिल ड्यूल टोन में मिलता है आपको। और यहाँ पे देखिए आप, तो नॉर्मल हेलोजन लाइट ही इसमें आपको मिलने वाली है। टॉप एंड वेरिएंट में आपको प्रोजेक्टर मिल जाते हैं। तो काफ़ी शानदार डिज़ाइन है इनका भी। और ये टर्न इंडिकेटर देख सकते हैं आप। और यहाँ पे देखिए आप नीचे इसके, तो फॉग लैंप के लिए यहाँ पे जगह दी गई है देख सकते हैं वहाँ पे। और ये ग्राफिक्स देख सकते हैं आप यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे दो वाइपर दिए गए हैं देख सकते हैं आप यहाँ पे। अभी इसका साइड प्रोफाइल देखते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप, स्टील व्हील्स दिए गए हैं इसमें आपको 16 इंची के व्हील कैप के साथ में, सुजुकी का लोगो बीच में दिया गया है। यहाँ पे आप टायर साइज देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। और ये साइड बीडिंग दी गई है देख सकते हैं यहाँ पे, स्क्रेच से बचाने के लिए DDIS की बेजिंग और टर्न इंडिकेटर। और इसके ORVM, इसमें किसी प्रकार की को आपको लाइट नहीं दी गई है। और ये रूफ देख सकते हैं आप, इस पर भी आपको जो है ग्राफिक्स वर्क मिलता है। और ये डोर बॉडी कलर मिलता है आपको, डोर हैंडल। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी साइड बीडिंग दी गई है काफ़ी स्टाइलिश। और 198 mm का आपको इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। और ये इसका रियर व्हील, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेंगे। अभी चलते हैं इसके रियर की तरफ। तो ये इसका रियर लुक काफ़ी शानदार है, अट्रैक्टिव है ये। यहाँ पे देखें आप, तो हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया गया है इसमें, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी दिया गया है और सुजुकी का लोगो, विटारा ब्रिजा की बेजिंग देख सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ पे आपको रियर पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। रियर रिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं और ड्यूल टोन में बम्पर मिलता है इसमें आपको, रियर पार्किंग सेंसर देख सकते हैं यहाँ पे। और ये रियर रिफ्लेक्टर और ये एग्जॉस्ट। तो काफ़ी शानदार इसका रियर भी है। और ये लाइट देख सकते हैं आप, नॉर्मल लाइट मिलती है आपको, LED नहीं मिलती है इसमें, नॉर्मल लाइट ही मिलती है, LED नहीं मिलती है इसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पे। अभी इसका बोर्ड खोल के देख लेते हैं।
देख सकते हैं आप यहाँ पे, किसी प्रकार की कोई लाइट नहीं दी गई है इसमें। और इसके नीचे आप देखेंगे अगर तो स्पेयर व्हील मिल जाएगा आपको। तो काफ़ी शानदार बूट स्पेस दिया गया है इसका। अब इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पे देखेंगे आप तो 48 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है आपको। और रूफ रेस दी गई है देख सकते हैं आप यहाँ पे ब्लैक कलर की। URM काफ़ी बड़े हैं देख सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन इसमें आपको टर्न इंडिकेटर नहीं मिलते हैं। तो ये था इसका एक्सटीरियर लुक, काफ़ी शानदार है और मस्कुलर लुक मिलता है गाड़ी का आपको, वो काफ़ी अट्रैक्टिव है गाड़ी। अभी इसका इंटीरियर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। तो ये इसकी की लॉक अनलॉक के लिए स्विच दिया गया है इसमें देख सकते हैं यहाँ पे, कीलेस एंट्री मिल जाती है इसमें आपको। अभी खोलते हैं इसका फ्रंट डोर ड्राइवर साइड का। तो ये देख सकते हैं आप पूरा ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलेगा इसमें आपको। और पूरा ब्लैक ही मिलता है, किसी प्रकार क्रोम वगैरह नहीं है। पावर विंडो कंट्रोल दिए गए हैं और कुछ स्पेस दी गई है यहाँ पे, बोतल होल्डर और स्पेस दी गई है। और यहाँ पे स्पीकर दिया गया है देख सकते हैं आप यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक ORVM है। और ये फ्रंट डैशबोर्ड का लुक और ये फ्रंट सीट्स का लुक। और यहाँ पे देख सकते हैं आप बैक एग्जिस्ट कर सकते हैं आप, लीवर दिया गया है और ये पेडल और ये ORVM के कंट्रोल और लाइट के कंट्रोल और कुछ स्पेस दी गई है। और यहाँ से गाड़ी को ऑन कर लेते हैं पहले की लगा के। अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं इसका इंटीरियर कैसा क्या देखने को मिलता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। अभी मैं इसका जो है आपको पूरा एक लुक दिखा देता हूँ कैसा क्या देखने को मिलता है। तो ये देख सकते हैं आप ये इसका लुक, अभी पूरा दिखा देता हूँ। ये स्टीयरिंग व्हील और ये डैशबोर्ड, ये सेंटर कंसोल देख सकते हैं आप यहाँ पे। अभी ये इसका स्टीयरिंग व्हील देख सकते हैं आप यहाँ पे, सुजुकी का लोगो दिया गया है और ये सारे एयरबैग की बेजिंग दी गई है, किसी के प्रकार के कोई कंट्रोल नहीं दिए गए हैं स्टीयरिंग माउंटेड। और ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, RPM मीटर, स्पीडोमीटर दिया गया है, टेम्परेचर मीटर दिया गया है इसमें आपको, फ्यूल मीटर दिया गया है, ट्रिप मीटर दिया गया है, क्लॉक दी गई है, कई सारे इन्फॉर्मेशन इसमें आपको दी जाती है। और ये लाइट के कंट्रोल दिए गए हैं। और इधर देखेंगे आप तो वाइपर के कंट्रोल दिए गए हैं इसमें। और यहाँ पर देखेंगे आप तो ये AC वेंट्स और यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है आपको, जो कि सपोर्ट करेगा USB ऑक्स, रेडियो, ब्लूटूथ, CD। और ये मैनुअल AC कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है आपको और USB ऑक्स और 12 का पावर सॉकेट यहाँ पे दिया गया है। और कुछ स्पेस भी मिल जाती है आपको। और ये है इसका 5 स्पीड का गियर बॉक्स, यहाँ पे क्रोम फिनिश देखने को मिलेगी आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 कपड़े दिए गए हैं और स्पेस दी गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ स्पेस दी गई है। और ये इसका ग्लो बॉक्स, दो ग्लो बॉक्स मिलेंगे आपको, ये अपर ग्लो बॉक्स है देख सकते हैं यहाँ पे। और भी लोअर ग्लो बॉक्स खोल लेते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है आपको डैशबोर्ड में। और इधर देखिए और यहाँ पे देखेंगे अगर आप, और वैनिटी मिरर मिल जाता है आपको ड्राइवर साइड, और एयरबैग की बेजिंग भी देख सकते हैं यहाँ पे। और ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर मिलता है, वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, रियर व्यू मिरर मैन्युअल एग्जिस्ट करना पड़ेगा, ग्रैब हैंडल दिए गए हैं फोल्डेबल, और ये फ्रंट सीट्स
हेडरेस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं और कुशनिंग काफ़ी बढ़िया दी गई है इसकी। फैब्रिक अपोस्टी मिलती है इसमें आपको। तो अभी चलते हैं रियर की तरफ और देखते हैं रियर सीट्स का लुक कैसा क्या देखने को मिलता है, कितनी एक्सपीरियंस मिलती है। तो ये इसका रियर डोर देख सकते हैं आप यहाँ पे। चारों डोर में जो है आपको बॉटम लोडर मिल जाता है और पूरा ब्लैक ही मिलता है और आपको पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं और वाटर होल्डर देख सकते हैं यहाँ पे और ये स्पीकर दिया गया है यहाँ पे। और ये इसकी रियर सीट्स का लुक, हेडरेस्ट मिल जाती है आपको एडजस्टेबल। अभी चलते हैं अंदर। तो देखते हैं आप नी रूम काफ़ी बढ़िया दिया गया है, हेडरूम की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको रूफ लाइट मिल जाती है एक। और ये ग्रेब हैंडल दिए गए हैं रियर में भी। ये देखते हैं आप हेडरेस्ट काफ़ी स्टाइलिश दी गई है, बीच में आमरेस्ट नहीं है यहाँ पे और रियर एसी वेंट्स भी नहीं है। दोस्तों ये थी विटारा ब्रीज़ा, कैसी क्या लगी आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें हम तो एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम मिल जाता है इसमें आपको, ड्यूल एयरबैग मिल जाएंगे, सीट बेल्ट रिमाइंडर, लैंप विद बजर, इंजन इमोबिलाइजर, रियर पार्किंग सेंसर, आइसोफिक्स, ABS विथ EBD, फ्रंट सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विथ फोर्स लिमिटर, हाई स्पीड वार्निंग अलर्ट, तो कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें आपको। और इसमें आपको ये केवल डीजल इंजन वेरिएंट के साथ में आती है दोस्तों। आज के लिए इतना दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नई कार के साथ।